So, hello everyone, a very good evening to all. And this is basically the second class of Highway Engineering. And I welcome you all to MX Live. And this series is going to be a very comprehensive series upon Highway Engineering. And till yesterday, we have completed a very basic aspect of the very first introduction of transportation engineering, ki transportation engineering kya hota hai, as well as I have discussed about the various modes of transportation, and I have differentiated between those four modes of transportation. Those are the four major or basic modes of transportation, right? So what were those four major modes of transportation? Highway or roadway transportation, waterway transportation we had, then we discussed about airway and then waterway as well. And we have differentiated all those modes of transportation in the basis of cost of travel and time taking of travel. So we have discussed till that particular point of transportation engineering, and from this class I will be completely focusing to this particular point, that is called as highway engineering. So highway engineering will be the main concern for this class, and इस क्लास से अभी आने वाले सारे क्लासेस में हम हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज हाईवे इंजीनियरिंग. सो बिफोर गोइंग टू द फर्स्ट टॉपिक, लेट मी डिस्कस वन क्वेश्चन विच आई हैव एक्चुअली डिस्कस्ड यस्टरडे. मैंने आप लोगों को पहले, मतलब कल वाले क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रेलवे का जब हमने रेलवे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे, तो मैंने ये बताया था कि रेलवे क्या है. इट इज़ अ वैगन और मल्टीपल वैगन्स विथ स्टील व्हील्स व्हिच आर मूविंग और व्हिच आर रनिंग अपॉन टू स्टील रेल्स और टू पैरेलल स्टील रेल्स, राइट? ये मैंने बताया था आपको. तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करके ये क्वेश्चन आया था. ये गेट वाला क्वेश्चन है, 1996 में आया था. ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम अलाउबल ग्रेड्स आर लोअर फॉर रेलवेज देन फॉर हाईवेज बिकॉज ऑफ, ठीक है? ये जो ग्रेड्स की बात कर रहा है, ये ग्रेडियंट की बात कर रहा है. ग्रेडियंट क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल जो स्लोप होता है. ये अगर कोई रोड है, ठीक है, ये अगर कोई भी रोड है, तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप है ना, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको कि लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप इन ए क्लीन मैनर की इफ दिस इज, मान लीजिए ये ग्राउंड बेड है एकदम, ठीक है, ये अगर हम लोगों का रोड जा रहा है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप क्यों दिया जाता है? बेसिकली ये स्लोप दिया जाता है, हम लोग को ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, ये दिया जाता है ड्रेनेज के लिए. ऑब्वियसली ये ड्रेनेज के लिए दिया जाता है, तो इसी को हम बोल देंगे ये वाला, ये जो है ये बोल देंगे हम ग्रेडियंट, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये ग्रेडियंट जो है ये क्यों लोअर रहता है फॉर रेलवेज, हाईवेज की रिस्पेक्ट में ये क्यों लोअर होता है? तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, इसका ऑप्शंस देखिए. पहले तो बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिकम प्रोहिबिटेड फॉर रेलवे एट हाई ग्रेड्स, ट्रेन्स आर लॉन्गर देन व्हीकल्स व्हिच यूज इन हाईवेज, ठीक है. ये सारा ऑप्शन छोड़ी, ये वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी को देखिए, ठीक है. ये बता रहा है कि स्टील व्हील्स ऑन स्टील रेल्स हैव अ लोअर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट देन रबर टायर्स ऑन पेवमेंट, ठीक है. तो इसका यही सही जवाब है कि इसका क्यों बता रहा हूं मैं आपको कि एक्चुअली क्या होता है, लेट मी इरेज दिस. क्या होता है ना कि लॉन्गिट्यूडिनल जो स्लोप होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप और लॉन्गिट्यूडिनल, लेट मी से लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या काम करता है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये रेजिस्ट करता है, ताकि अगर कोई भी ये अगर ग्रेडियंट होगा, ठीक है, तो एक गाड़ी मान लो यहाँ दिस स्टॉप देयर, तो ये वाला ग्रेडियंट में ये अगर स्टॉप है, तो ये तो नीचे की तरफ आएगा,
ठीक है, डाउनफॉल होगा। तो अगर इसका फ्रिक्शन जो है, जो टायर के साथ ये फ्रिक्शन कम करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ये ज्यादा होगा, तो ये ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होने पर भी ये रेजिस्ट कर देगा उसको, ये फ्रिक्शन इसको रोक देगा, ठीक है। लेकिन रेल की केस में क्या होता है, रेलवे के केस में दोनों ही स्टील है, ठीक है, रेलवे के केस में दोनों ही मेड ऑफ स्टील है, तो इसका जो फ्रिक्शन है ये बहुत कम है। अगर फ्रिक्शन कम है तो ये अगर ग्रेडियंट आप बहुत ज्यादा दे दोगे तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन उतना रोक नहीं पाएगा, रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इसके लिए क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए ये मैं लिखवा कर भी देता हूँ आपको कि लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रिवेंट्स स्लाइडिंग ऑफ स्टॉप्ड व्हीकल ठीक है, तो ये नीचे गिरने से रोकता है, नीचे स्लाइड होने से ये रोकता है। तो एज कि रेलवे का जो अपना रेजिस्टेंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है एज कंपेयर टू हाईवे, वो कम निकल के आता है, इसीलिए हम ग्रेडियंट को भी रेलवे में कम रखते हैं, ठीक है, कम ऊंचा देते हैं। अगर ज्यादा ऊंचा दे देंगे तो अगर इफ द रेलवे रेल और इफ द ट्रेन हैज टू स्टॉप इन दैट पर्टिकुलर ग्रेडियंट तो वो नीचे स्लाइड कर जाएगा, तो उसको ना ऐसा हो इसीलिए हम ग्रेडियंट लो देते हैं क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम होता है। तो कल वाला एक कंसेप्ट से एक ही एक क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दे वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टुडे। तो आज से हम बात करेंगे, जैसे कल वाले क्लास में हम स्टॉप किए थे कहाँ पर, वी स्टॉप्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ रोड, ठीक है, मैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रोड में स्टॉप किए थे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो लेट मी गिव दी दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ रोड, ठीक है, हिस्ट्री में बहुत ही पहले एंशियंट टाइम से पहले कैसे मतलब रोड आया, रोड की कंसेप्ट कहाँ से आई थी, पहले कौन थे, जो कौन एम्परर या कौन ऐसा कंट्री था जो पहले रोड लेके आया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सारे के सारे रोड्स की जो मेथड्स है ये सारे हम डिस्कस करते हुए इंडिया में घुसेंगे कि इंडिया में कैसे रोड डेवलप्ड हुआ एंड कैसे क्रोनोलॉजिकली इंडिया में क्या डेवलपमेंट होता गया, अभी भी क्या डेवलपमेंट हो भी रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर डेवलपमेंट ऑफ रोड के बारे में हम बात करें, तो अगर हिस्टोरिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ये पहले आता है, फर्स्ट आता है रोमन रोड्स, ये आता है रोमन रोड्स, ठीक है। सेकंड आता है ट्रेसागुएट रोड्स, थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है अपना मेटकैफ रोड्स, फोर्थ इज स्टिलफोर्ड एंड फिफ्थ मैकडम, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली एक के बाद एक डेवलपमेंट होता गया। सबसे पहले एंशियंट टाइम से था रोमन रोड, जिन्होंने अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री की रोमन रोड में पहली बार जो रोड कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, एंड दैट वाज द फर्स्ट कल्चर ऑफ रोड। देन उसके बाद ट्रेसागुएट आया, उसके बाद मेटकैफ, उसके बाद टिलफोर्ड एंड देन मैकडम हैज अराइव्ड, राइट। तो लेट अस स्टार्ट, हम इन सबको एक एक करके देखेंगे, एक एक करके इनका डिटेल्स, इनका क्या एडवांटेजेस, क्या प्रॉपर्टीज था इस रोड में, कैसे मेथड ये लोग यूज किए रोड को बनाने के लिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या ड्रॉबैक्स था एक एक रोड्स का, हम ड्रॉबैक्स भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम था रोमन रोड में जो कि आके चेंज किया ट्रेसागुएट ने, उसके बाद ट्रेसागुएट में जो प्रॉब्लम था या क्या खुद ड्रॉबैक को ये मेटकैफ निकाला, फिर मेटकैफ से ड्रॉबैक किसने हटाया, मतलब टेलफोर्ड ने क्या क्या ड्रॉबैक था जो कम किया, उसके बाद मैकडम में आएंगे, ठीक है, एक के बाद एक में आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रोड कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज रोमन रोड, लेट अस स्टार्ट विद रोमन रोड। तो रोमन रोड पहले लिख कर देता हूं, ठीक है,
रोमन रोड क्या है? रोमन रोड इज द फर्स्ट एवर इंट्रोड्यूस्ड रोड, ठीक है, जिसका हम लोगों के पास रिटन लिटरेचर है या रिटन जो डॉक्यूमेंट्स है रोमन रोड के पास है। ये बेसिकली कैसे रोड बनाते थे ये मैं बात करने वाला रहा हूँ। ये एक्चुअली इन लोगों का जो मेथोडोलॉजी है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले जो सॉयल है उसको एक्सकवेट करते थे, जो सॉयल ग्राउंड है उसको पहले एक्सकवेट करते थे। उसके बाद तब तक एक्सकवेट करते जाते थे, तब तक वो करते थे जब तक ना हार्ड स्ट्रेटा जो है जमीन का वो नहीं मिल जाता। तो जब तक उनको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल जाता वो लोग एक्सकवेट करते जाते थे। उसके बाद वंस दे अचीव द हार्ड स्ट्रेटा, उसके बाद दे क्या करते थे, उसके बाद ये लोग लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स लगाते थे, ठीक है, नीचे लार्ज फाउंडेशन स्टोन ऐसे लगा देते थे रोड में, एकदम नीचे वो लोग लार्ज स्टोन्स रख देते थे जो कि फाउंडेशन का काम करता था एक रोड में, ठीक है। उसके बाद ये एक सेकेंड, ये तो एक्सकवेटेड है, ये हार्ड लगा देते थे ये फाउंडेशन, इसको हम बोल सकते हैं कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे ये लोग, एक लेयर तक दे यूज टू फिल विथ ब्रोकन स्टोन, ये लेयर तक ये ब्रोकन स्टोन से फिल करते थे। ये दे दिया ये लोग ब्रोकन स्टोन, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, दूसरे लेयर तक और एक लेयर बनाते थे, उसमें भी देते थे ब्रोकन स्टोन, बट दिस टाइम नॉट ओनली ब्रोकन स्टोन, दिस इज ब्रोकन स्टोन मिक्स्ड विथ लाइम। तो ये क्या करते थे, ब्रोकन स्टोन के साथ लाइम का मिक्सचर बना के ये इधर दे देते थे इन द सेकेंड लेयर, एंड एट द टॉप दे यूज टू गिव प्लेन स्टोन। तो ऐसे कुछ होता था ये अपना रोमन रोड, ठीक है। तो लिख देते हैं, लेट मी राइट, कि ये वाला जो है दैट इज, मैंने लिख दिया लार्ज फाउंडेशन स्टोन, ये नहीं लिख दिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है ये, ठीक है। सेकंड वाला लिख देते हैं कि ये वाला जो लेयर है दैट इज ऑफ ब्रोकन स्टोन, दिस लेयर इज ब्रोकन स्टोन विथ लाइम, दिस इज फिल्ड विथ ब्रोकन स्टोन एंड लाइम, एंड दिस इज प्लेन स्टोन। तो ऐसा कुछ था रोमन रोड, ठीक है। तो लेट अस राइट, इसमें क्या प्रॉब्लम था या ड्रॉबैक था इन लोगों में। पहला प्रॉब्लम था कि ये कोई ग्रेडियंट यूज नहीं किया था रोड में, ठीक है, कोई भी क्रॉस स्लोप या ग्रेडियंट कुछ नहीं दिया था, ताकि इसका मतलब क्या था, ड्रेनेज के लिए कोई प्रॉपर इसका सोल्यूशन नहीं था, ये लोग ड्रेनेज के बारे में कोई सोल्यूशन नहीं किया। सेकंड क्या था, इन लोगों का जो जो रोड था या कंस्ट्रक्शन पेवमेंट था, इसका जो डेप्थ था दैट इज अराउंड 0.75 to 1.2 मीटर। इसका मतलब है ये 75 to 120 सेंटीमीटर्स ऑफ डेप्थ, इतना रोड को डेप्थ बनाता था, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेटेड एक रोड है। क्यों? क्योंकि तब के जमाने में जब ये हुआ था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 312 BC, तब के जमाने में सिर्फ पेडिस्ट्रियन थे, और उसके बाद कौन लोग थे, मतलब एनिमल ड्रोन जो व्हीकल था वो सब चलता था ये वाला रोड में। लेकिन ये 75 सेमी डेप्थ वाला रोड, ठीक है, तो इतना थिक रोड तब के जमाने में दैट इज कंप्लीटली अ वेस्ट ऑफ कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्टली बनाते थे। सेकेंड क्या था, इतना ये जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन से लोग यूज करते थे दैट इज ऑफ नो यूज, एक्चुअली लार्ज फाउंडेशन स्टोन का कोई यूज है ही नहीं। क्योंकि अगर आप सरफेस लोड के बारे में बात करते कि सरफेस लोड जब जमीन में, मतलब ये सॉयल में जाएगा, तो जितना डेप्थ में वो जाता जाएगा उतना ही उसका जो लोड है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब ये लार्ज फाउंडेशन स्टोन बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी था। तो दोनों चीजों से हम बोल सकते कि बहुत ही ओवर एस्टिमेटेड है, था इसीलिए ये रोड बहुत ज्यादा साल टिक गए, बहुत ज्यादा ईयर्स ये टिक गए, ये गया ही नहीं, क्योंकि 75 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस टू ए रोड इज वेरी ओवर एस्टिमेटेड। तो ये सब ड्रॉबैक्स था, ठीक है। तो लेट मी राइट
some the specifications of Roman road, right? So let me write with the first point, that is, they were actually these, with these over, these were built regardless of gradient तो किसी भी ग्रेडियंट नहीं था इस वाले रोड में, ठीक है. सेकंड क्या है कि द सॉफ्ट सॉइल वॉज एक्सकवेटेड एक्सकवेटेड एंड रिमूव्ड टिल द हार्ड स्ट्रैटम इज अचीव्ड. जब तक ये सरफेस हार्ड सरफेस हमको नहीं मिल जाता था तब तक हम एक्सकवेट करके सॉफ्ट सॉइल को निकाल देते, ठीक है. ये सेकंड प्रोसीड्यूर था. देन द टोटल थिकनेस ऑफ दिस रोड्स वेर 75 टू 120 सेंटीमीटर्स, ठीक है. बहुत ज्यादा थिक भी थे. तो ये सब मैंने बोला. सर थैंक यू सर. ओके तो हाँ, इसके बाद हम बात कर, ये तो स्पेसिफिकेशंस किया, ठीक है. रोमन रोड का स्पेसिफिकेशंस ये सब था. सेकंड में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस रोमन रोड, ठीक है. रोमन रोड का क्या ड्रॉबैक्स है, तो मैंने ये भी लिखना है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रोमन रोड्स. ड्रॉबैक क्या था, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि पहला ड्रॉबैक ये था कि कोई ग्रेड इसका कोई स्लोप या ड्रेनेज के लिए कोई भी ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ था, ठीक है. इसका मतलब है पानी अगर सीप करके नीचे तक जाएगा तो ये वाला जो सॉयल है, नीचे वाला जो सॉयल है, इसको ये क्या कर देगा, सॉफ्टनिंग कर देगा, ठीक है. इसके बाद क्या होगा, ये पूरा अनबैलेंस्ड हो जाएगा. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है या पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये अनबैलेंस्ड हो सकता था. सो दैट इज अ ड्रॉबैक. सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फाउंडेशन स्टोन्स है दैट वेयर ऑफ नो यूज, उसका कोई भी यूज नहीं था टोटल कंस्ट्रक्शन में, लेकिन फिर भी ये लोग इसको यूज किए थे. एंड थर्ड जो ड्रॉबैक आप बोल सकते हो, ये बहुत ही ओवर एस्टिमेटेड था. इसका डेप्थ इतना ज्यादा चाहिए नहीं था. आज के जमाने में इतना जो हैवी लोडेड व्हीकल भी हम चलते हैं रोड में, ये सारे रोड भी 30-35 सेंटीमीटर्स की विड्थ में थिकनेस होता है. लेकिन तब के जमाने में जब चीजों एनिमल ड्रोन व्हीकल चलता था, इतना ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता था, सिर्फ पेडिस्ट्रियन चलते थे, लेकिन ये बहुत ही ओवर डिजाइनिंग रोड किए, 75-120 सेंटीमीटर्स तक इनका थिकनेस दिया. तो यही सारी बातें लेट मी राइट देयर, ठीक है. कि पहले तो फर्स्ट है कि नो क्रॉस स्लोप, एक सेकंड यहाँ पर नहीं दिखाई देगा शायद आप लोगों को. नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट इधर लिख देते हैं कि नो क्रॉस स्लोप वाज देयर. तो ड्रेनेज फैसिलिटी के लिए कोई क्रॉस स्लोप नहीं दिया हुआ था. सेकंड क्या ड्रॉबैक था, सेकंड ड्रॉबैक ये था कि डेप्थ जो था, थिकनेस ऑफ रोड वॉज टू हाई. थिकनेस जो था रोड का वो बहुत ही हाई था एज कंपेयर टू टू द वेट ऑफ एनिमल ड्रोन व्हीकल. तो एनिमल ड्रोन व्हीकल के लिए ये जो वेट था बहुत ही ये अपना जो सॉरी जो थिकनेस था वो बहुत ही ज्यादा था. लास्ट में क्या बोल सकते कि लार्ज जो फाउंडेशन स्टोन्स यूज किए ये लोग,
large foundation stones at the bottom layer, were of no use. ये किसी काम का नहीं था, ठीक है, ये भी लिख देते हैं कि as the pressure due to surface load decreases with depth. तो ये भी एक drawback था, ठीक है. तो ये सारा drawback था Roman road का, ठीक है. तो यही specifications था Roman road का, जो पहली roads है road history में, ये पहली road है जो introduced किया गया था by the Romans, ठीक है. ये actually use किया जाता था military purposes के लिए, ठीक है. तो ये जब पहले introduced हुआ, इसके बाद ये बहुत दिनों तक यही फॉर्म, यही मेथोडोलॉजी यूज करते गए सभी लोग, जितने भी रोड बनाए सभी इन्हीं फॉर्मूलों को, मतलब इन्हीं जो मेथड है इन लोगों का, इन्हीं को यूज करते थे टिल द टाइम जब ट्रेसागुएट आया, ठीक है. तो नेक्स्ट रोड क्या है हम लोगों का, दैट इज ट्रेसागुएट रोड. एक सेकेंड, आई हैव अब, यस दिस इज द रोमन रोड, मेरे पास था पिक्चर, मैंने दिखाना ही भूल गया. तो दैट इज द, ये देखिए, ये जो है ये लार्ज फाउंडेशन स्टोन है, ठीक है. ये है ब्रोकन स्टोन वाला लेयर, ये है ब्रोकन स्टोन, दिस इज ब्रोकन स्टोन विथ लाइम वाला लेयर, एंड दिस इज द प्लेन स्टोन, ये प्लेन स्टोन वाला लेयर है, दिख रहा है. सो दैट हम बोल सकते कि दिस इज द प्लेन स्टोन, ठीक है. ये जो है ये है लार्ज फाउंडेशन स्टोन, ये है लार्ज, ये फाउंडेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिखाई दे रहा है, अरे एक सेकंड, ये है ये लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स है. ये वाला जो है ये येलो वाला, ये वाला, ये क्या है, ये है ब्रोकन स्टोन वाला जो लेयर था, ये ब्रोकन स्टोन्स का लेयर है. और ये है दिस इज नथिंग बट द ब्रोकन स्टोन विथ लाइम, ठीक है. तो ये है रोमन रेड का, रोमन रेड बोर्डर, रोमन रोड का पिक्चर, ठीक है. तो रोमन रोड वी हैव कंप्लीटेड. नाउ लेट अस गो टू द सेकंड वाला, that is called as Trasaguet roads. That is made in France. That was made in France. ये है Trasaguet roads, ठीक है. तो Trasaguet roads क्या बोल रहे हैं, तो ये पहले लिख देते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, कि ये पियर ट्रेसागुएट एक इंजीनियर थे, ठीक है, जिन्होंने डेवलप किया है ट्रेसागुएट रोड को. एक सेकंड, तो लिख देते हैं कि पियर ट्रेसागुएट डेवलप्ड ट्रेसागुएट मेथड ऑफ पेवमेंट कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इन दिस मेथड एट द वेरी फर्स्ट ही हैज मेड द चेंज, ठीक है. सबसे पहला चेंज जो ट्रेसागुएट रोड मेथड में आया, दैट इज इन्होंने रोड की जो थिकनेस है उसको 75 to 120 सेंटीमीटर से घटाकर 30 सेंटीमीटर में लाया, ठीक है. तो ये भी बोल सकते हैं कि द मेन फीचर्स, मेन फीचर ऑफ ट्रेसागुएट रोड इज नॉट इज एक्चुअली दैट शुड बी वाज that the thickness of pavement
एक सेकेंड, थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, और ये बोल सकते हैं कि थिकनेस ऑफ द पेवमेंट वॉज रिड्यूस्ड और नीड टू बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ और इन द ऑर्डर ऑफ 30 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट चेंजेस था रोमन रेड से, रोमन रोड से ये फर्स्ट चेंज निकल कर आया था कि वो उन लोगों का जो थिकनेस था दैट वाज 75 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर. तो इन्होंने पहले आके बोला कि पहले ही फर्स्ट जो फीचर होगा, फर्स्ट जो चेंजेस होगा दैट इज थिकनेस को घटाओ, 30 सेंटीमीटर्स तक थिकनेस लाओ. सेकंड क्या बोला, सेकंड बोला कि ड्यू कंसिडरेशन was given to subgrade moisture ठीक है. तो इन्होंने पहले टाइम आके बोला कि ड्रेनेज का भी कुछ इंतजाम करना होगा. इसका मतलब पहली मतलब फर्स्ट टाइम क्रॉस स्लोप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ट्रेसाग्रेड रोड मेथड ठीक है. तो एंड ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर ड्यू टू रेन. तो रेनफॉल के लिए जो जो सरफेस वाटर आता है या फिर जो सबग्रेड में मॉइस्चर जाता है उनके लिए एक क्रॉस स्लोप चाहिए. तो ट्रेसाग्रेड मेथड ने दोनों चेंज अभी तक कर दिया. क्या चेंज किया, पहले तो थिकनेस 30 सेमी तक लाया, सेकंड ये बोला कि हम लोग इनमें क्रॉस स्लोप भी देंगे, रोड में ये प्रोवाइड करेंगे. तो कैसा मेथड था इन लोगों का, क्या करते थे, ऑन टू एजेस, एक सेकेंड लेट मी टेल एट फर्स्ट देन आई विल राइट ठीक है. तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग पहले एक्सकवेट करते थे, लेकिन पहले क्या करते थे, ये जस्ट सबग्रेड वॉज प्रिपेयर्ड एंड द लेयर, ये भी पहले लेयर में एक फाउंडेशन स्टोन का लेयर देते थे सबग्रेड में ठीक है. सबग्रेड में पहले फाउंडेशन स्टोन का लेयर देते थे, उसके बाद दोनों साइड में दोनों एजेस में एक हार्ड फाउंडेशन स्टोन को रखते थे, एम्बेड कर देते थे ठीक है. उसके बाद ये फिल करते थे बाई ब्रोकन स्टोन. लगभग सेम ही मेथड था, लेकिन इसमें सिर्फ थिकनेस कम था और एक जो स्लोप है वो ऐड किया गया था. स्लोप ऐड किया था कितने का, 1:45 का स्लोप इन लोगों ने ऐड किया ठीक है. तो मेथड पहले लिख देते हैं, ये क्या होता था कि सबग्रेड तो ऐसे ही लिख देते कि सबग्रेड पहले प्रिपेयर किया जाता था. तो सबग्रेड वॉज प्रिपेयर्ड एंड लेयर of large foundation stone were laid on the edges by hand. तो हाथ से उठाकर ये लोग large foundation stones को subgrade में ले कर देते, मतलब रख देते थे ठीक है. उसके बाद क्या होता था, on two edges large stones were embedded to serve as curb stone. ये curb क्या होता है, geometric design में जब cross sectional element पढ़ेंगे हम तब मैं आपको बताऊंगा detail manner में कि curb क्या होता है. अभी सिर्फ ये पढ़ लीजिए कि ये कर्व स्टोन की तरह यूज होता है ठीक है. कर्व स्टोन ये होता है जो लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो लोड जाता है ना तो उसका एक रोड को, एक पेवमेंट को एक लेटरल जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एज ए लेटरल स्टेबिलिटी ये कर्व स्टोन काम करता है ठीक है. तो ये हो गया, दोनों एजेस में हम क्या करते थे, लार्ज स्टोन देते थे, एम्बेड कर देते थे क्योंकि ये एक्ट एज कर्व स्टोन ठीक है. उसके बाद क्या बोलते थे कि द स्पेस बिटवीन द कर्व्स लिख देते हैं बिटवीन स्पेस
between the curves were filled by smaller stone of 8 centimeter. तो 8 centimeters की जो smaller stone होता है वो हम लोग वो दोनों कर्व के बीच में हम उसको प्लेस कर देते थे, ठीक है। एंड लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि द टॉप सरफेस वॉज फिल्ड विथ स्मॉलर स्टोन of thickness 5 centimeter at the edges and gradually increases towards the center. To provide surface drainage. ठीक है, एंड इसमें भी बोल सकते हैं कि the slope was given of 1:45. यदि क्रॉस स्लोप है, क्रॉस स्लोप was given of 1:45, ठीक है। तो इसमें क्या एक्चुअली ये लोग यूज करते थे, ये लोग करते थे क्या, ये पहले सबग्रेड को प्रिपेयर कर देते थे और दोनों एजेस में, पहले तो ये दोनों एजेस में दो स्टोन एम्बेड करते थे, किसके लिए, ताकि ये लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, एक्ट करे एज ए कर्व। तो ये कर्व स्टोन की तरफ एक्ट करते हैं, इट एक्ट्स लाइक एन लाइक ए कर्व स्टोन, तो इसको हम कर्व स्टोन बोल सकते हैं। ये कर्व स्टोन्स है, ठीक है। इसके बाद क्या होता था, इसके बाद हम बोल सकते कि इसमें ये दे देते थे लार्ज फाउंडेशन स्टोन की लेयर, दिस इज द फाउंडेशन स्टोन, तो ये फाउंडेशन स्टोन्स की लेयर है। उसके बाद क्या होता था, इसके बाद ये एक सेकंड इसको जरा हटा देते हैं, बढ़िया सा बनाते हैं, रुको एक सेकंड। ये इनका हार्ड स्ट्राटा है, मतलब सॉइल सबग्रेड है, ये है कर्व स्टोन, मान लो ये कर्व स्टोन है, राइट। इसके बाद क्या होता था कि दिस दिस इज द लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स लेयर, ये है फाउंडेशन स्टोन वाला लेयर। उसके बाद 8 सेमी थिकनेस का एक लेयर आता था जो कि था स्मॉलर स्टोन का, दैट इज अ स्मॉलर स्टोन, उसके बाद ये आता था, ये क्या था, दैट इज इसमें 5 सेंटीमीटर का स्टोन आता था, लेकिन जो एजेस में थिकनेस था 5 सेंटीमीटर, लेकिन जिसका थिकनेस जब अब सरफेस की तरफ मतलब सेंटर की तरफ जितना जाएंगे उसका थिकनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों होता था, ताकि हम लोगों को 1:45 स्लोप मिल सके, ये जो स्लोप मिलेगा हमको दैट विल बी 1:45। तो दैट इज समथिंग द मेथड और मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रेसागुइड रूट। तो इन्होंने क्या तीनों चेंजेस लाए, ये पहले जो चेंज लाया वो लाया कि वो थिकनेस को 30 सेमी कर दिया पहले, तो ये थिकनेस जो टोटल है वो 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सेकेंड क्या लाया, वो सेकेंड ये बोला कि ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज फैसिलिटी के लिए या मॉइस्चर
को निकालने के लिए सबग्रेड से हमको स्लोप देना है कितने का, दैट इज ऑफ 1 in 45। तो ये था ट्रेसगुएट रोड, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अभी थर्ड वाला जो है दैट इज कॉल्ड मेटकैफ रोड। तो व्हाट इज द थर्ड, नंबर 3 इज मेटकैफ रोड्स। तो मेटकैफ रोड्स की फर्स्ट पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि ये जो आदमी था, ये जो इंजीनियर था, इनका नाम था जॉन मेटकैफ। जॉन मेटकैफ वॉज एंगेज्ड, एंगेज्ड ऑन रोड कंस्ट्रक्शन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द पीरियड जब ट्रेसगुएट फ्रांस में रोड की डेवलपमेंट कर रहे थे, उसी टाइम सेम टाइम में ये जॉन मेटकैफ इंग्लैंड में रोड की डेवलपमेंट या रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ट्रेसगुएट वाज वर्किंग इन फ्रांस, ठीक है, सेम टाइम की बात है। तो इन्होंने क्या किया, ये मेटकैफ ने 290 किलोमीटर्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्ट किया एट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो मेटकैफ रोड, ये मेटकैफ अपने मेथड को यूज करके सेम जब ट्रेसगुएट जब फ्रांस में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था, सेम टाइम में मेटकैफ ने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड में 290 किलोमीटर्स की रेंज में अपना खुद का मेथड से रोड बनाया था। लेकिन द प्रॉब्लम इज एज मेटकैफ वाज ब्लाइंड मच ऑफ हिज वर्क वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो इसका कोई रिटन एज सच रिकॉर्ड नहीं मिल सका एज मेटकैफ वॉज अ ब्लाइंड पर्सन। ठीक है, तो इसके लिए मेटकैफ रोड्स की कोई भी मेथड या कोई भी रिटन रिकॉर्ड की कैसे वो काम करते थे ये हम लोगों को पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो मेटकैफ रोड वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, ये इसके बाद आएगा, ये है टेलफोर्ड। तो टेलफोर्ड रोड कैसे काम करते थे, या ये ट्रेसगुएट रोड से भी क्या मतलब चेंजेस किए, या कौन सा ट्रेसगुएट वाला जो ड्रॉबैक था जिसको ये आके मिटा मतलब कंपेंसेट किए, सो लेट अस डिस्कस। तो टेलफोर्ड रोड, ये पहले हम लिख सकते हैं कि ये क्या करते थे, इन दिस मेथड लेयर्स ऑफ फाउंडेशन स्टोन ऑफ थिकनेस 17 to 22 centimeter वेर लेड। तो इन्होंने जो क्रॉस स्लोप निकाला, तो क्रॉस स्लोप ये पहले से ही स्टार्ट कर दिया। कैसे किए, ये जो फाउंडेशन स्टोन यूज किया ना, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग साइज का फाउंडेशन स्टोन यूज कर दिया। कैसे कि 17 centimeter से स्टार्ट होगा जिनका थिकनेस, और वो जाएगा अप टू 22 centimeter, और 17 centimeter वाला एज में लगाया, उसके बाद सेंटर तक 22 centimeter तक रोड, ये मतलब फाउंडेशन स्टोन्स को ये रख दिया एकदम सबग्रेड में। ठीक है, लेड विथ हैंड इन अ स्टेबल पोजिशन। इसका मतलब क्या था, जो प्लेन सरफेस था ना, ये सब फाउंडेशन स्टोन्स का जो प्लेन सरफेस था, उसी सरफेस के ऊपर मतलब प्लेन फेसेस को नीचे रख के, ताकि वो स्टेबल पोजीशन में रहे, ऐसे हाथ से बाय हैंड ये लोग प्लेस किया। 17 सेंटीमीटर थिकनेस वाला को एकदम एज में रखा, उसके बाद ग्रेजुअली
जो 22 सेंटीमीटर जो थिकनेस था उसको सेंटर तक रखा ताकि वो हम लोगों को स्लोप मिल सके, ठीक है। उसके बाद क्या किया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप, द स्टोन विथ लेसर थिकनेस दैट इज ऑफ 70 सेंटीमीटर वेयर प्लेस्ड टुवर्ड्स द एजेस। ठीक है, टुवर्ड्स द एज एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस द साइज और इंक्रीजिंग द थिकनेस अप टू 22 सेंटीमीटर। ये लिख सकते कि वर लेड टुवर्ड सेंटर टू प्रोवाइड दी क्रॉस स्लोप। जैसे मैंने बताया कि 17 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस वाला फाउंडेशन स्टोन्स को ये लोग एज में लगाए, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते गया। ज्यादा थिकनेस 22 सेंटीमीटर थिकनेस वाला जो फाउंडेशन स्टोन्स है उसको सेंटर पर प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि द सेंट्रल पोजिशन द सेंट्रल पोजिशन और द सेंट्रल पोर्शन बोल सकते हैं इसको, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अबाउट 5.5 मीटर ऑफ विड्थ। हाँ, एक चीज मैंने आपको बोलना भूल गया कि ये जो टोटल जो सबग्रेड हम प्रिपेयर करते थे ना वो करते थे ऑफ 9 मीटर ऑफ विड्थ, ठीक है। इसको हम 9 मीटर ऑफ विड्थ के लिए इसको हम डिजाइन करते थे टोटल, ठीक है। 9 मीटर ऑफ विड्थ के लिए पहले प्रिपेयर करते थे, उसके बाद हम बाकी के बात करते हैं कि ये जो सेंट्रल के पोर्शन है 5.5 मीटर का जो पोर्शन रह गया इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम दो लेयर देते थे, ठीक है। तो ऑफ विड्थ इज फिल्ड विथ ब्रोकन ब्रोकन एंगुलर स्टोन्स इन टू लेयर्स ऑफ 10 to 5 सेमी ऑफ थिकनेस। ये क्या है कि ये वाला बोल रहा है कि जो सेंट्रल का बीच का जो 5.5 मीटर वाला पोर्शन था ना, तो उस वाला पोर्शन में क्या करते थे, दोनों लेयर देते थे ब्रोकन एंगुलर स्टोन्स का, दोनों लेयर होता था। और जो स्टोन्स होता था वो कितना होता था, वो 5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक थिक होता था। वो वाला ऐसे ऐसे 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस वाला जो एक सेकंड, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड गाइस, जस्ट सेकंड। आई होप माई वीडियो इज क्लियर राइट नाउ। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ओके ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो द थिंग वॉज आई वॉज डिस्कसिंग
दैट कि ये टेलफोर्ड रोड क्या करते थे, ये लोग पहले जो सेंटर पोर्शन था उसमें 5.5 मीटर की विड्थ के लिए क्या करते थे, 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर ये रेंज था थिकनेस का ऑफ ब्रोकन एंगुलर स्टोन्स, उस थिकनेस का दोनों लेयर से इसको फिल करते थे। किसको फिल करते थे, जो एक्सकवेट करके हमने जो फाउंडेशन स्टोन्स लगाया दोनों मतलब एजेस में, उनके बीच में ये वाला हम फिल करते थे। उसके बाद क्या करते थे, इन द नेक्स्ट स्टेप 4 सेंटीमीटर ऑफ ग्रेवल सरफेसिंग वॉज लेड ऑन दी टॉप विथ क्रॉस स्लोप ऑफ 1:45। तो ये टॉप सरफेसिंग जो करते थे, ये हम 4 सेंटीमीटर्स ऑफ थिक ग्रेवल की सरफेसिंग देते थे और ऐसे हम इसको बिछाते थे मतलब ले करते थे कि इसका जो स्लोप निकल कर आए, जो क्रॉस स्लोप आए वो 1:45 निकल कर आए। एंड लास्ट में क्या होता था, इसमें सभी था लेकिन अभी तक हमने कर्व के बारे में डिस्कस नहीं किया, कर्व मिसिंग है अभी तक यहाँ पर। तो कर्व के लिए टेलफोर्ड मेथड क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अ सर्टेन विड्थ टुवर्ड्स एजेस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई ब्रोकन स्टोन एंड लाइम इंस्टेड ऑफ यूजिंग कर्व स्टोन। टू प्रोवाइड लेटरल स्टेबिलिटी। तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम कर्व स्टोन नहीं देते थे, इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ विड्थ को हम एजेस से सर्टेन अमाउंट ऑफ विड्थ को लेते थे, जिसमें हम एक लेयर बना देते थे किसका, ब्रोकन स्टोन विथ लाइम का लेयर बना के इसको यूज करवाते थे एज अ कर्व स्टोन या कर्व लेयर। ठीक है, एंड दिस शुड बी दी परफेक्ट ड्रॉइंग इफ आई ड्रॉ दिस, सो दिस इज दिस अपग्रेड राइट। लेकिन इसमें क्या था, इसमें था ऐसा, ये जो फाउंडेशन स्टोन था दैट इज द लेयर ऑफ फाउंडेशन स्टोन एंड दीज आर ऑफ 17 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस एंड दीज आर ऑफ 22 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस। ये ग्रेजुअली ऐसे ले किया हुआ है, ठीक है, कि 17 सेंटीमीटर से लेके टोटल 22 सेंटीमीटर तक थिकनेस तक ये दिया हुआ था। इसके बाद क्या था, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि इसमें फॉर दी 5 मीटर ऑफ विड्थ, तो मान लो कि ये 5 मीटर ऑफ विड्थ है, ठीक है, 5.5 मीटर ऑफ विड्थ के लिए ये जो 5 मीटर 5.5 मीटर ऑफ विड्थ है, इसमें हम देते थे दो लेयर। किन चीजों का दो लेयर देते थे, इसमें हम दिया जाता था टू लेयर्स ऑफ एंगुलर ब्रोकन स्टोन्स ऑफ द थिकनेस रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या था कि हम 5 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक स्टोन्स देते थे, ब्रोकन एंगुलर स्टोन यूज करते थे इन दी टू लेयर्स। राइट, इसके बाद जो बाकी का पोर्शन था ना, एक सेकेंड, तो ये बाकी वाला पोर्शन वी यूज टू कंस्ट्रक्ट दी कार्ब लेयर। कार्ब स्टोन के लिए हम ये वाला लेयर यूज करते थे, दिस थिकनेस, ये जितना भी विड्थ होगा उतना विड्थ के लिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ विड्थ के लिए। तो इस केस में हम ये ले लेते हैं कि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ विड्थ जो बच जाता है ये 5.5 मीटर है इसके लिए। इसके बाद ये जो विड्थ है इसमें हम कर्व स्टोन को बनाते थे। कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता था, इसमें हम एक लेयर बनाते थे किसका, ब्रोकन स्टोन प्लस लाइम। तो
we used to construct this with broken stone and lime and it will act like a curved stone. तो instead of curved stone हम एक stone नहीं देते थे, हम ये broken stone के साथ lime का एक layer इसमें edges में बना देते थे ताकि ये वाला चीज जो है act कर सके curve की तरह. और एक specification था जो actually I have missed in Tilford, कि Tilford also provided cross drains at interval of 90 meter. तो अगर ये रोड जा रहा है ना, तो ये अगर रोड जा रहा है, मान लो इफ दिस इज द रोड इज गोइंग, तो एट अ इंटरवल ऑफ 90 meter, ये 90 meter के बीच में ये क्रॉस ड्रेन भी देते थे. ये मान लो 90 meter और भी 90 meter, तो ऐसे 90 मीटर्स के इंटरवल में ये क्रॉस ड्रेन देते थे ताकि ये जो पानी है, रेनफॉल वाला वाटर, सरफेस वाटर, वो ड्रेन होके निकल जाए. ठीक है, सो दैट वाज आल्सो इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ Tilford रोड. ठीक है, तो ये वाला भी डिस्कस कर लिए थे हम Tilford रोड. नाउ एट द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ टुडे इज the last method or the last road construction method that is called as macadam. ठीक है, तो ये है macadam. तो हमने रोमन देख लिया, ट्रेसागवेट देखा, मेटकप देखा. मेटकप में क्या ही देखा, तो मेटकप का तो कोई रिटर्न रिकॉर्ड है ही नहीं, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ देख भी नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि मेटकप वॉज ब्लाइंड. एंड Tilford भी देख लिया, लास्ट में है macadam रोड. नाउ तो macadam रोड से जाने से पहले, macadam रोड हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले लेट मी डिस्कस अ लिटिल एस्पेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि जनरल ऑब्जर्वेशन ऑन ओल्ड मेथड्स. तो बाकी इतने सारे जितने भी हमने मेथड्स किए अभी तक का, वो सारे मेथड्स में एक जनरल ऑब्जर्वेशन अगर आप निकालें, तो क्या कॉमन है इन सब रोड्स में, इन सारे रोड मेथड या सारे जो रोड कंस्ट्रक्शंस की मेथड है, ये सब फॉलो किए किस चीज को? फर्स्ट चीज इन्होंने फॉलो किया कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स, इस सब सारे के सारे कंस्ट्रक्शन मेथड में था कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स को पहले लगा दो बेस में, ताकि इट विल एक्ट लाइक ए फाउंडेशन स्टोन. ठीक, मतलब ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करेगा रोड की. सेकेंड, इन्होंने जो रोमन रोड क्रॉस स्लोप नहीं दिया था. ठीक है, कोई भी क्रॉस स्लोप वॉज नॉट गिवन, लेकिन बाकी सारे रोड मेथड में आके क्रॉस स्लोप आपको, हम लोगों को मिला, लेकिन कहाँ मिला? सरफेस में. ठीक है, लेकिन सबग्रेड में, सॉयल सबग्रेड में किसी भी तरह का कोई क्रॉस स्लोप नहीं दिया गया. इसका मतलब है जो भी रेन वाटर जो सीप करेगा, रेन वाटर सीप करके जो सबग्रेड तक जाएगा, वो वाला रेन वाटर क्या होगा, वो वाला रेन वाटर सबग्रेड में जाके जो सबग्रेड का सॉइल है उसको सॉफ्ट बना देगा. सॉफ्ट बनाने के बाद पूरा कंस्ट्रक्शन आप लोगों का अनबैलेंस हो जाएगा. सो दैट वाज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ ऑल दिस ओल्ड मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इसको लेट मी राइट दिस बाय पॉइंट्स. इन ऑल मेथड्स द सॉइल सबग्रेड was constructed in level surface. इसका मतलब सब ग्रेड में कोई तरह का, किसी भी तरह का कोई क्रॉस स्लोप नहीं था, सब लेवल सरफेस में बना हुआ था. ठीक है, सेकेंड क्या बोल सकते हैं कि लार्ज लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स were used at bottom layer. तो एकदम bottom layer में हम use करते थे क्या, large foundation stones को, जो कि actually कोई need था ही नहीं. ठीक है, last क्या बोल सकते हैं कि the water that enters into the pavement due to rain get
stagnated at subgrid and soften the soil of subgrid. इस पॉइंट को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है, कि सबग्रेड में ये पानी जाएगा सीप करके और सबग्रेड वाला सॉइल को ये सॉफ्टनिंग करके देगा, राइट, ओके. नाउ इन सब चीजों को, जितना भी काइंड ऑफ ड्रॉबैक था, इन सबको कंपेंसेट कर दिया, इन सबको दूर कर दिया, कौन? ये मैकेडम रोड बनने के बाद, मतलब मैकेडम मेथोडोलॉजी जब आए उसके बाद सारी तरह का जितने भी प्रॉब्लम था, पहले तो लार्ज फाउंडेशन स्टोन इन्होंने हटा दिया, इन्होंने ये भी बोला कि सबग्रेड वाला भी क्रॉस स्लोप लाओ, ठीक है, तो इन सब चीजों को मैकेडम रोड आके चेंज किया. तो लेट अस स्टार्ट विद द मैकेडम रोड. ठीक है, तो दैट इज मैकेडम रोड, राइट. सो इट एक सेकंड, हाँ, मैकेडम रोड आया. तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है मैकेडम रोड का, कि सॉइल सबग्रिड वॉज, एक सेकंड, सॉइल सबग्रिड का भी वॉज लेड with a cross slope of 1:36. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सरफेस में सिर्फ क्रॉस स्लोप दे रहे थे कि ताकि सरफेस वाटर ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन मैकेडम रोड में पहली बार ऐसा हुआ कि सॉइल के जो सबग्रेड है उसको भी 1:36 स्लोप देकर बनाया गया, ठीक है. तो इसको क्या बोल सकते हैं कि टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर इन इट, ठीक है. ये भी 9 meter ऑफ विड्थ में था, इसका भी मतलब मैकेडम रोड्स का भी जो विड्थ था दैट वॉज डिजाइंड अप टू 9 meter ऑफ विड्थ, ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि मैकेडम वॉज द फर्स्ट इंजीनियर to suggest that large foundation stones are not required at the bottom. तो मैकेडम ही पहली ऐसी इंजीनियर थे जिन्होंने बोला कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स की जो लेयर है वो बॉटम में चाहिए ही नहीं, उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है. थर्ड क्या बोले वो, कि द नेक्स्ट लेयर वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रोकन स्टोन ऑफ स्ट्रॉन्ग वैरायटी ऑल पासिंग फाइव सेमी सीप से पास करते हुए जितने भी हम लोग को ब्रोकन स्टोन मिलेगा और वेराइटी ऑफ मतलब बहुत सारे वेराइटी का बहुत सारे जो ब्रोकन स्टोन्स मिलेगा, लेकिन उसको क्राइटेरिया क्या दिया हुआ था कि उसको 5 centimeter ऑफ सीप से पास करके निकल के आना होगा. इसका मतलब उनका थिकनेस 5 centimeter से कम होना चाहिए, ऐसे ब्रोकन स्टोन का हम लोग एक लेयर बनाए, ठीक है, जो सेकंड लेयर था. इसका मतलब क्या था, सबग्रेड ऑफ सॉइल के ऊपर, सबग्रेड के ऊपर जो फर्स्ट लेयर दिया हुआ था वो था हम लोगों का वो 5 centimeter से कम थिकनेस वाला ब्रोकन स्टोन्स का लेयर था, ठीक है. सेकंड लेयर क्या कैसा था, ओके, और उसका जो डेप्थ था मतलब उसका जो थिकनेस था वो तो 5 centimeter जो था वो ब्रोकन मतलब स्टोन्स का थिकनेस था, राइट. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो लेयर का कितना थिकनेस था, अप टू 10 centimeter, ठीक है, 10 centimeter का वो लेयर था. उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि द नेक्स्ट
layer of 3.75 semi size of broken stones. Stone was laid and compacted to 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब सेकेंड वाला जो लेयर था वो भी 10 सेंटीमीटर तक था. ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक जो उसका डेप्थ था या थिकनेस था, और उसमें जो हम ब्रोकन स्टोन यूज किए उसका थिकनेस कितना था, 3.75 सेंटीमीटर. तो 3.75 सेंटीमीटर ऑफ थिक ब्रोकन स्टोन्स को यूज करते हुए हम 10 सेंटीमीटर की एक लेयर बनाए जो था कि जो सेकेंड लेयर था. ठीक है, एंड नाउ ये टॉप लेयर था, तो बोल सकते हैं द टॉप लेयर वॉज डिसाइडेड बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एनिमल ड्रोन व्हीकल. ठीक है, जो कि था क्या, सो इट कंसिस्टेड इन कंसिस्ट ऑफ स्टोन साइज ऑफ लेस देन 2 सेंटीमीटर एंड कॉम्पैक्टेड टू 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या, जो लास्ट वाला लेयर था, लास्ट लेयर 5 सेंटीमीटर विड्थ का था, जो थिकनेस लास्ट लेयर का थिकनेस था 5 सेंटीमीटर, और उसमें जो हम स्टोन्स ब्रोकन स्टोन्स यूज करते थे उसका जो लाइक थिकनेस था, उसका था पार्टिकल का थिकनेस था 2 सेंटीमीटर की, लेस देन 2 सेंटीमीटर ऑफ साइज ऑफ स्टोन. ठीक है, जो स्टोन्स का साइज होगा लेस देन 2 सेंटीमीटर, उन्हीं स्टोन्स को हम 5 सेंटीमीटर तक एक लेयर बनाते थे जो कि था टॉप लेयर. ठीक है, तो अगर इसकी डायग्राम बनाए जैसे था ये, तो दैट इज समथिंग रोमन सॉरी द मैकाडम रोड. तो ये था सबग्रेड, जो सबग्रेड इटसेल्फ वाज इन अ स्लोप ऑफ 1:36. ये सबग्रेड वाला स्लोप ही 1:36 था. उसके बाद वी हैव द फर्स्ट लेयर. फर्स्ट लेयर कितने का था, द फर्स्ट लेयर वाज ऑफ 10 सेंटीमीटर वाला फर्स्ट लेयर था. उसके बाद सेकेंड था, सेकेंड भी अपना था 10 सेंटीमीटर, एंड थर्ड वाज ऑफ 5 सेंटीमीटर लेयर. तो तीन लेयर से वो रोड कंस्ट्रक्टेड था. एक सेकेंड, दैट वाज ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो दैट इज 10 सेमी, दैट इज द अनदर 10 सेंटीमीटर, और ये भी है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका जो ये तो सबग्रेड है जिसमें स्लोप है 1:36, राइट. इसमें क्या है, फर्स्ट जो लेयर था, फर्स्ट लेयर में ब्रोकन स्टोन हम लोग यूज किए थे, लेकिन ये जो ब्रोकन स्टोन यूज था ये कैसा था, ये ब्रोकन स्टोन हमने यूज किया किसमें, जो एक सेकंड कितना साइज का था, हाँ 5 सेंटीमीटर शेप से, तो लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ साइज ऑफ स्टोन्स. ठीक है, तो स्टोन्स की साइज जो था वो था लेस देन 5 सेंटीमीटर, ये लेस देन है. ठीक है, दैट वाज दी फर्स्ट लेयर, और इस लेयर का थिकनेस कितना था, 10 सेंटीमीटर, राइट. इसके बाद सेकेंड लेयर था, सेकेंड लेयर में हमने यूज किया स्टोन्स, कितने साइज का पार्टिकल मतलब कितने साइज का स्टोन यूज किया, वी यूज द स्टोन्स ऑफ साइज 3.75 सेंटीमीटर. तो 3.75 सेंटीमीटर वाले थिकनेस वाले स्टोन को हमने यूज किया ओके. ये 3.75 सेंटीमीटर ऑफ साइज ऑफ स्टोन को हमने यूज किया, और लेयर का जो हमने थिकनेस दिया वो था 10 सेंटीमीटर, एंड लास्ट वाला जो लेयर था, लास्ट वाला लेयर हमने यूज किया ऑफ दो स्टोन्स व्हिच आर हैविंग साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर. तो दोज आर लेस देन 2 सेंटीमीटर ऑफ साइज
ऑफ स्टोन्स, ठीक है, तो लेस देन 2 सेंटीमीटर्स ऑफ साइज ऑफ स्टोन वाले, मतलब जिन स्टोन्स का साइज था लेस देन 2 सेंटीमीटर, उन सब स्टोन्स को यूज करके लास्ट या टॉप लेयर हमने दिया और उसका डेप्थ हमने दिया 5 सेंटीमीटर्स, एंड ओवरऑल जो इसका भी क्रॉस स्लोप निकल का आता है वो है 1 in 36, लेकिन द थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर दैट ओनली मैकाडम रोड हैज द क्रॉस स्लोप इन द सबग्रेड एज वेल एज टू द सर्फेस, वेर एज अदर ऑल द मेथड्स विच आर हैविंग लाइक टेलफोर्ड, ट्रेसागुएट, मेटकैफ और आवर रोमन रोड, रोमन रोड तो कोई स्लोप था ही नहीं, ठीक है, लेकिन टेलफोर्ड या ट्रेसागुएट दोनों में 1 in 45 स्लोप था, लेकिन वो वाला स्लोप था सिर्फ सरफेस वाला, सबग्रेड वाला इन लोगों का मतलब इन लोगों ने जो सरफेस में था 1 in 45 तो स्लोप दे दिया, लेकिन जो सबग्रेड था सॉइल का वो प्लेन बना दिया बिल्कुल, ठीक है, ऐसे एकदम प्लेन बना दिया. तो दैट इज द मेन डिफरेंसिएशन बिटवीन द मैकाडम एंड द अदर्स वन, ठीक है. और सेकेंड क्या चेंज इन्होंने लाया मैकाडम ने, सेकेंड चेंज ये लाया कि जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स का जो लेयर है वो मैकाडम ने हटा दिया, वो बोला कि दैट इज ऑफ नो यूज, और थिकनेस लाया 25 सेंटीमीटर तक रोड का, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. तो आज हम खत्म कर लिए एंशियंट और हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ रोड ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में मतलब पहले कैसे रोड आया, कैसे डेवलप हुआ रोड विद द टाइम. अभी कल के क्लास में हम घुसेंगे कहाँ पर, वो हम घुसेंगे कल के क्लास में कि इंडिया में कैसे रोड डेवलप, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया कैसे डेवलप्ड हुआ एंड कब से इंडिया में स्टार्ट हुआ रोड डेवलपमेंट, एंड कैसे कैसे किस मतलब कितने तरह का स्कीम्स और कितने तरह का प्लान हुआ इंडिया की रोड को डेवलप करने के लिए, और अभी क्या प्लान चल रहा है, ये सब के बारे में हम प्लान करेंगे. और उसके बाद से शायद कल या परसों से हम घुसेंगे पहली टेक्निकल चैप्टर जो है, जो अपना चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है दैट इज जियोमेट्रिक डिजाइन, एंड उसका भी जो पहला टॉपिक होगा दैट विल बी गोइंग टू क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ रोड्स, तो उस वाले चैप्टर में हम घुसेंगे कल या परसों, शायद परसों घुस जाएंगे. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग. And if you like this video, please subscribe to the channel. And if you have any doubt regarding this session, you just put a comment in the comment section. And every day at 7 o'clock, this class is going on. And I will be live from 7 o'clock in the evening. And if you want to come join, I would like to insist you that please come join live and make this class a very interactive session. तो उसमें आपका कोई भी डाउट रहेगा तो मैं अभी सॉल्व कर सकता हूँ उसमें लाइव में भी, ठीक है. और अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं कोई भी वीडियो, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो और अगर कोई भी आपको डाउट रह जाएगा वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है. और इस वाले जितने भी हम क्लासेस कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो हम ये वाला PDF अपलोड कर देंगे, ठीक है. तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, वेरी गुड नाइट.